ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਜਾਣਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਭੀੜੀ ਜੀ ਪਜਾਮੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਾੜ ਦੇਣੀ ਆ ਹੁਣ ਬਾਈ ਦੇ ਤੋਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਬਖਸ਼ਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਂਦਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਉਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਰੱਬ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦ ਸੁਖਵੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੱਟੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਸੀ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸੁਖਵੀਰ ਨੇ ਫੱਟੀ ਲੁਕੋ ਲਈ ਜੀ सत श्री अकाल साडा टी वी यूएसए वेख रहे हो मैं बलकरण सिंह डब्बाली तुहाडा स्वागत करदा अज सिंघू बॉर्डर ते मौजूद हाँ सिंघू बॉर्डर दियां की गतिविधियां ने तुहानू सारियां दसांगे ते साडे नाल कुछ पंजाब दे लोक मौजूद ने जिन्हां नाल गल्लां-बातां करवावांगे जिहड़े सवाल ने तुहाडे जां साडे जिहड़े सवाल ने उह वी तुहाडे सामने हाजिर होवांगे लैके बई सुरेंद्र सिंह मौजूद है साडे नाल सो गल्लबात करदे आं इत्थे दिल्ली सिंघू बॉर्डर ते बैठे होए ने बई होरे एक तो इन्हों का एक कच्चा मकान बनाया इन्होंने कितों इन्हों दिमाग च आई जिमें मैं तुम्हें पहला दस्या कि कच्चा मकान बनाया इन्होंने आप सारी मेहनत की है तो ये बेसिकली पिछोकड़ जोड़ा है इनका ये अकाली दल तो बिलोंग करते किसानी दे करके इन्होंने अकाली दल छड़िया वो सारिया गल् बात हूँ ठहराव जोड़ा है किसानी अंदोलन दे है ये बई होरे छः महीनों तो बैठे है सो ये सारिया गल् बात अज आप करा भाई जी सब तो पहला तो बहुत बहुत स्वागत है साडा टी वी यूएस धन्यवाद जी भाई जी सब तो पहला तुसी आपका नाम दसो तो तुसी अकाली दल तो बिलोंग करते की तुहाडे कोले ओहदा सी ते तुसी छड्डिया क्यों मैं अकाली दल दे विच समती मैंबर था जी ब्लाक समती मैंबर कहने तो छड्डिया इन्हां दी खुदगर्जी नूं देख के क्योंकि पंजाब दा जिहड़ा मेन खिता वह खेती है तो खेती की पिट्ठ विच अकाली दल ने छुरा मारिया इस करके अकाली दल छड्डिया है क्योंकि जिस दिन असी चंडीगढ़ आना था उस दिन सारे चंडीगढ़ आने का सद्दा था सारे किसानों तो इन्होंने अपने अपने उत्थे नुमाइंदियां नूं कह के अपना अलग अलग जगह ये मोर्चा फिट करता तो किसान पाट गए उस दिन मैं सोचा भी पाड़ो तो राज करो जी नीति है अकाली दल गोरे वाली अपना लग्या वा है इस करके पर भाई अकाली दल तो कहता भी असान नहीं ऐ नहीं कहता जी सुखबीर की ऑन रिकॉर्ड गल है सुखबीर सानू नक्सलाइट कहता जी असी भुलते नहीं है अज तो जो मर्जी कह पर भाई बीबी हरसिमरत ने तो किसानों के करके अस्तीफा देता दत्ता नहीं जी है देना पे उन्होंने दत्ता नहीं है देना पे गोडा रखे जाए धाउन से दत्ता है गोडा फिर किने रखे किसानों ने जी बैठे नहीं सिंघू बॉर्डर सामभ के इन्होंने रखे जी नहीं ये तो कहते भी असी उदो पहला ही अस्तीफा देता सीगा असी किसानों के हक च हैं अज तो उत्थे भी जो डिबेट हुई वो शामिल नहीं 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 भीरे ये झूठ है गल सुखबीर बादल सानू नक्सलाइट कहता पहला उस तो बाद बड़ा बादल कहता भी मैं बिलों के नाल है हरसिमरत कहती ये लोग किसान वो है पर मैं बिलों के नाल है तो जब हूँ देखिया भी साढ़े हथों सब कुछ निकल गया बाहर जी चोरी नू मोरी रह जाती है जी तोमर साहब ने जब सुखबीर को मिलन आना था इन्होंने फट्टी दिखाई थी काले को हद करो तो सुखबीर ने फट्टी लुको ली थी जी ये तुम वीडियो देखिया होना इन्हों के मन के जी गुलामी इन्होंने नागपुर की करनी है तिना चार जण ने इन्हों के खून च इन्होंने करनी ही करनी तो गदारी पंजाब नाल वो करनी करनी इन्होंने इस करके चलो भाई हुण आपां इत्थों दी गल करिए जे जदों असी आ के बैठे सी इत्थे 26 जनवरी तक की जे गल करिए बड़ा एक रोह सी अंदोलन दे विच बड़े लोग आउंदे सीगे है ना एक जशन का माहौल सी लोग जिहड़े तुहाडे वर्गे यूथ है साडे वर्गे वो रात नूं ट्रैक्टर ते गाने ला के नचदे सी सब कुछ हुंदा सी कि हुण भी उह जिहा माहौल है बिल्कुल जी हुण उह तों भी मजबूत है क्योंकि उस टाइम एक संघर्ष जवान हो रहा था हूँ यह अपनी असली चरण सीमा पर पहुँच गया संघर्ष ने अपनी कामयाबियाँ जोड़िया हुई है ये सबनों पता है पर संघर्ष अगे नालों तो मजबूत होया क्योंकि पंजाब के लोगों सिर्फ एक वर तो कॉल जाने की देर है वो तो बाद पांच घंटे बाद देख लो माहौल कहा जा होगा उरे भाई लोगों अहदेदारियाँ मिलदिया नहीं तो तुम अहदेदारी लत मार के आ गए कितें ना कितें लग्या नहीं कि यार जे आपां अकाली दल च रहिंदे आ तां कल नूं होर वड्डा अहुदा मिल जूगा ये गल नहीं आई ना भीरे ना सानूं अहुदे दी लोड़ नहीं सानूं लोड़ है पंजाब दी अपने धंदे दी ते धर्म धरती साडी बची रहे क्योंकि अकाली दल दा अहुदा लैने वाला तक मैनूं लगन लग गया वी मैं ना मैं गदारी करी अकाली दल दे विच रह के पंजाब दी जिहड़ी सियासी पार्टियां जी ये सिर्फ अपना लोट देखदियां ठीक है ना चाहीदा नहीं इहनां नूं वी जे ये लोग सड़क घेर के बैठ सकदे आ जे साडा अकाली दल हैगा है जे साडी पार्टी हैगी है तो एक लिंक सड़क रोक के दिखा दे सुखबीर की सारी पार्टी
मैं दोबारे अकाली दल चाहूँगा, नहीं अकाली दल नूं हथ झाड़ के निकलना पऊगा। सुखबीर दे जिन्ने भी जी वर्कर है सारे अकाली, उन्हां च जिन्ना दम है, एक लिंक सड़क एक हफ्ते वास्ते रोक के दिखा दें दिल्ली की, असीं तां मन्नांगे। तुसीं कहिंदे हो कि अकाली दल दा वर्कर है चाहे लीडर है, उन्हां च कोई दम नहीं, जमा ही दम नहीं है, ज़्यादा अकाली दल के प्रधान से दम नहीं है जी, मिनट मिनट से यू टर्न है एक एक गल दे, होर तो होर जी इन्होंने साड़ी कौम का जथेदार यू टर्न मारन लाता। जवे जी जो तो इत्थे आके बैठे हो, सरकारां दा तुहाडा इम्तिहान लै रही हैं, रब भी कितें ना कितें तुहाडा इम्तिहान लै रहा है, तो फिर जिहड़ा इह पक्का मकान बनाउण दी जिहड़ा फिर रब तो इम्तिहान तो आया या कितों? देखो जरूरत काढ़ दी माँ है, ठीक है बलकार भी वीरे मैं ना उरे आ के मैनू लग्या भी शायद आजाद देश यही है, हुण देखो है कि मास्क है किसी नूं करोना, ठीक है ये महाराज ने साडे हथ रखिया है, बाकी गल है जिहड़े उरे नेरी मीह हंडाया है ये सानू होर मजबूत करन लग्या वा, ठीक है ना, ये वा असी सेंटर की सरकार ते पंजाब दी सरकारां नाल लड़न वास्ते मजबूत हो पूरे होण लगे मैं, पेपर पैण लगे मैं, रिजल्ट साडे हक च आउणा है, जित के जावांगे। कितें ना कितें बई जदों कामयाबी बख्शनी होवे तां रब इम्तिहान लैंदा, कितें ओ ओही इम्तिहान? बिल्कुल सही गल है जी, रब इम्तिहान लैंदा भी है मेरे पूरे योधे तकड़े अज है कि नहीं, कितें वीकता नहीं हो गए, पर जे असी हुण मुड़ गए हुण सानू साडी कमजोरी वो सामने आनी है भी असी लुकोवे लखा बार पर लुकनी नहीं हैगी। बई जी की लगता है जिहड़ा अंदोलन है साडा किन्ने क टाइम तक होर अगे जारी रहेगा, जे पड़ा जिहड़े हैगे ओह की रहणगे? देखो वीर जिहड़ा पड़ा है साडा ये तो ये बेलां दी जित असली मंजिल है साडी, उस तो बाद जे असी उरे 10-20-30 साल बैठना पै गया ना अपनी एक उम्र भी लगा देंगे, पर पिछे नूं नहीं जाना जब तक ये सरकार नाल असी सवार के मत्था ला के नहीं जाते, या जितांगे या मरांगे। ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 2024 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ, 2024 ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਡਾ ਏਮ ਹੈ, ਕਿਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸਿਰਫ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ? ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਵੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣ ਕੰਮ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਹੈ, जे असी कि जाके पिट स्यापा करांगे तां करांगे तां अपने सरकारां दे घर जाके, क्योंकि लोकां ने चुनी है, साडे किसान आगूआं नूं तसल्ली करा देना असी मुड़ जांगे। अच्छा भाई जी मोदी साहब कहिंदे आ कि जिहड़े कानून ने उह लोकां दे हक च है, फिर तुसीं उहनां नूं समझना क्यों नहीं चाहुंदे? लोकां दे हक च है तां बिहार दे लोकां दे हक च क्यों नहीं आए? क्योंकि उत्थे 2006 दे विच लागू हो गई ते यही कानून घुम घुमा के है, कानून यही है, जे ये कानून हक च होंदे वीरे तां अज बिहार कित्थे हुंदा? असी तां मंडी बोर्ड मजबूत करी बैठे हैं, बिहार वर्गियां नूं देण इहो जिहे कानून, उहनां नूं तकड़े कर लैण, असी तां पहले ही मंडी बोर्ड दी, मंडी बोर्ड साडा कामयाब है, मंडी बोर्ड नाल साडा पंजाब कामयाब है, असी इहनां नूं कानूनां नूं क्यों एक्सैप्ट करिए? जिहड़ी चीज़ असी 25-30-40 साल च कामयाब करी है उह असी उहनूं क्यों तेड़ लावांगे? फिर सरकार ये भी कहती है कि जिहड़ी चीज़ नहीं चंगी लगती वो कट दिंदे आ, फिर क्यों नहीं मानते किसान? सरकार जिहड़ी चाहुंदी वीरे वह असी नहीं चाहुंदे, जिहड़ी असी चाहुंदे आ वो सरकार गल कर लवे। की है जी किहड़ी किहड़ी गल है जिहड़ी तुसीं नहीं चाहुंदे, तुसीं चाहुंदे हो ते सरकार नहीं चाहुंदी? असीं वीर गल्लां नूं दो सिर्फ ती गल नहीं है, पहली गल तो यह है MSP ते सानूं पक्का कानून बना के देण, वो बनाउण नूं तैयार तां है बिल्कुल नहीं वीरे, वो असीं 22 फसलां ते चाहुंदे आ, 22 फसलां ते चाहुंदे आ, पंजाब दी रवायती 22 फसलां है, असी क्यों जीरी कण ते ओह हो गए, दो फसलां दे क्यों रही है, क्यों रही है, असी रह क्यों गए, इस करके रह गए ना क्योंकि जे MSP मिलदी दो फसलां ते आ, जीरी ते कणक, गन्ना सरकार लैंदी सब तो उसी दे दो दो साल पैसे नहीं मिलते, असी नहीं यह चाहते, सरकार MSP कानून बनावे ते बनावे 22 फसलां ते, पंजाब दी रवायती 22 फसलां है। केड़ी 22 फसलां ने दस सकदे हो? लंबी चलणी गलबात जी, चरी, बाजरा, गुआरा, मक्की, कणक, तुसी ला लो सूरजमुखी, गन्ना, हाँ मूंगी, मसरी, हाँ दालां सारियां जी, ये फसलां है भी जे हो सके सानू 22 फसलां ते देना MSP, जे साडे नाल किसे
कानून के दायरे रह गल करे ये साढ़े वैसे जोड़े एक कानून है सारे हक ना ये स्टेट गौरमेंट के हैं जेडे ये अपने हाथ च लेना चाहते हैं असं ये देना नहीं चाहते ये गल। अच्छा भाई जी जो आप गल करते हैं पिछे वाढ़ी आई तो इतने बहुत रश घट गया लोगों को जाना पिया कम से है ना हुण फिर जीरी लाउण दा जिहड़ा टाइम है आ गया 10 तरीक दित्ती गई है पंजाब गौरमेंट वल्लों ते 10 तरीक लंघ गई है ते हुण फिर जीरी लाउण वास्ते फिर यूथ दा ही कम हुंदा है क्योंकि मुंडियां ने कम करना है वह फिर जाणगे ते फिर कितना ना कितने क्योंकि जिहड़ा जीरी वाला कम है तो लंबा चलना है फिर की लगता है अंदोलन च कितना ना कितने वीकनैस नहीं जिहड़ी तुसीं गल पुछणा चाहुंदे आ अंदोलन च वीकनैस नहीं आऊगी क्योंकि पंजाब दे लोग हुण जागरूक हो गए 3 घंटे दा सफर आ जी जे तो कॉल जाती है मजबूरी होगी ना तो 2.5 घंटे च नबेड़ देंगे सफर में पर मोर्चे च पहुँचा सब दे अपने अपने घर बने हुए हैं जिन्हें ये नौजवान बैठे हैं ये सारे पिछे 5-5, 7-7 बंदे इन्हां दे अपने घर बैठे हैं उरे ठीक है ना रश घटने वाला तो मतलब सवाल ही पैदा नहीं होंदा ये तो गल निबड़ के ही जानी है जीरी जे आप गल करिए पहला तो जो आके बैठे 26 जनवरी तो पहला ला लीए तो हुण दे विच अंदोलन दे विच की तुसी डिफरेंस कढ रहे हो कि उदों की सी ते हुण की है नहीं गा जिहड़ी चंगी चीज़ सी जिहड़ियां होर चीज़ां ने उन्हां नूं छड्ड दईए चंगी चीज़ जिहड़ी पहलां होवे ते हुण है नहीं चंगी चीज़ वीरे इह है वी जे अंदोलन इह इस टाइम जिहड़े लोग चलाउण लगे वे उह क्लीयर हो गए वी उह लोग बहुत ज़्यादा मजबूत है जिहड़े हुण बैठे आ कणक बीज होई कणक दी वाढ़ी होई हुण जीरी लगनी शुरू होगी लोग फिर बैठे आ ये क्लीयर होगी भी पंजाब दे विच जिहड़ा जोधा पाणा है वह पूरा हैगा ठीक है तो जिहड़ी जिदण आए उदों सानू ये सड़क ने सिर्फ थां दित्ती उस तों बाद सब कुछ असीं अडंबर रचाया है ठीक है ना उस दिन बच चढ़ के आना लोगों का साथ देना अंदोलन नूं तकड़ा करना उदों लोड थी उस तों बाद अज ये स्थिर हो गया स्थिर हो के कामयाबी वल वध रहा ठीक है अंदोलन पूरा कामयाब है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 2024 ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2024 ਤੱਕ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰੇ ਬਿਲਕੁਲ 2024 ਤੱਕ ਲੋਕ ਇਹ ਡਟੇ ਬੈਠਣਗੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਬਾਈ ਜੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਸਕਦੇ? ਵੀਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪੰਜਾ ਅਤੇ ਤੱਕੜੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗੋ ਕਿਉਂਕਿ ਬਥੇਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਾਗਣ ਵੋਟ ਦੀ ਚੋਟ ਮਾਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਇਨਕਲਾਬ ਆ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੋਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਟ ਹੈ ਉਹ ਵੱਜੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਵੀਰੇ ਬਾਦਲ ਦੀ ਰੈਲੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਵੀਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਰੈਲੀ ਕਰੀਆਂ 4 ਸਦਭਾਵਨਾ ਰੈਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਤਾ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ 15 ਅਤੇ 18 ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ EVM ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ EVM ਦਾ ਸਕੈਂਡਲ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। EVM ਦਾ ਸਕੈਂਡਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਘਸਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ 13 MPs ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਹ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਜੇ BJP ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2 ਸੂਬੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1% ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜਰਖੇਜ਼ ਮਿੱਟੀ ਆ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਇਹ। ਅੱਛਾ ਬਾਈ ਜੀ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ BJP ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਮਮਤਾ ਨੇ ਬਣਾਈ ਪਰ ਉਹਨੇ ਲੀਡ ਵੱਡੀ ਰਹੀ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼? ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਿਆ ਵੀਰੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਿਆ ਜੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਲਾਸਾਨੀ। ਜਿਹੜੀ BJP ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ
बीजेपी तो इस टाइम सारे इंडिया से कब्जा करी बैठी है, फिर भी हारन का बंगाल ही गए, असं होर स्टेट च नहीं गए, फिर भी बंगाल तो हरा के आए, ठीक है ना। ममता आई उत्थे, इन्हां नूं इस गल का फिक्र पिया वा हुण यूपी चोण है, यूपी दे विच इस टाइम इन्हां नूं पूरा पंजाब दे विच आए लोगों के किसानों का पूरा खतरा है। नहीं, यूपी दे विच जे आपां गल करिए तां पिछे जे पंचायती चोणां दी होई सीगी ते उहदे विच मथुरा ते इह जिहड़े गढ़ मन्ने जांदे बीजेपी दे उत्थों बीजेपी बहुत बुरी तरह हारी है, तो फिर कितने ना कितने तुहानूं लगता है भी जिहड़ा किसानी अंदोलन चल रहा है उसे दा? हाँ हाँ भीर, किसानी अंदोलन क्योंकि यूपी के लोगों ने जिस दिन टकैत साहब नाल होया और वधीकी हुई है वह तो एक रात तो बाद की आलम तुहानूं पता ही है, उत्थे जिहड़ा समां तां पिछेटना पै गया, उत्थे बीजेपी के लोग भी चढ़ के आए, उत्थे फौज भी चढ़ के आई, पुलिस भी चढ़ के आई, फिर क्या होया उस मूँह नाल मुड़ना पै गया, और साढ़े परली स्टेज जी उत्थे भी आने की कोशिश करी, फिर पिछे मुड़ना पै गया। असी शांति नाल लड़न वाले लोग हैं क्योंकि इस देश के बन्नण वास्ते पंजाबियों ने बहुत बड़ा योगदान पाया, इस करके असी चाहते नहीं भी कोई खराबा होवे, कोई खून खराबा किसी तरह जानी मन नुकसान होवे। मोदी साहब नूं चाहिए दिमाग की वरतों करन माड़ी मोटी, कोई चाहला दिमाग ना रखे, ठीक है ना, वरतों करन माड़ी मोटी भी किसानां दे नाल बैठ के गल करन ते किसान जो मंगदे दे के तोड़न। बई जी तुसीं गल कीती चाहला दिमाग ना रखण, पर हुण इह गल्लां दा खुलासा जिहड़ा होण लग गया कि मोदी साहब ने कितें चाह वेची नहीं, क्योंकि जे चाह वेची होंगी तो किसी ने देखा हों, किसी प्याई होंगी या किसी ने कुछ किया हों, फिर तुसीं इह गल किवें कहती भी चाहला दिमाग ना? नहीं, तो मोदी साहब आपे कहते ना, ये तो लोगों ने नाल दी नाल इह भी कह दिंदे भी इह माड़े मोटे जुमले तो बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ, जुमले तो अमित शाह दे आपदे मशहूर है ना जी, मोदी साहब हुण क्या कहीए, पर नाटकी बंदा है ना जी, कदे टगोर बनने की कोशिश करता, कदे कुछ करता, गलबात मजबूती वाली भी कितने नहीं आता यार। तुसी देखो भी यार, असी जिहड़े देशों नूं कुछ दंदे ते अज उहनां तुसी थल्ले आ, फिर क्या तरक्की करी? अच्छा भाई जी, कोविड चल रहा है, कोविड की जो गल की जाए तो दिल्ली दे विच बड़ी वड्डी महामारी जिहड़ी फैली है ना, जिहड़े लोग सीगे बहुत लोग मरे, वैक्सीन की कमी भी हुई, हस्पतालां की भी कमी हुई, तो तुसी इत्थे दिल्ली के बार्डर से बैठे हो, तुहानू इह जिहा कुछ लग्या कि कोविड साढ़े गवांढ च हैगा ते तुहानू डर लग्या होवे, या फिर कोविड इधर ना आ जाए, या कोविड का जो कोई पेशेंट है वो इधर ना आ जाए, या तुहानू इह फील होया होवे भी यार सच्चियां ये चीज़ हो रहा? यह गल आया भीरे भी जिहड़े ये लोग है ना, ये लोग गुरु गोबिंद सिंह महाराज की नस्ल है, जिहड़े कोविड करोना ये साढ़े वास्ते नहीं, मैं लोगों को भी कहूँगा जे बचना उरे आ जाओ, जे कोविड करोना तो बचना है तो उरे आउण, उरे है नहीं ना उरे बढ़ना, क्योंकि ये जो धरना है ये लड़ाई में ना गुरु गोबिंद सिंह महाराज आप चला लगे हुए हैं, ठीक है ना, ये सरकार दीआं साजिशां भीरे यार, किहड़ा करोना है, जे करोना हुंदा सी तां सारे हुण साफ हो जांदे यार, आ देखो तो है कितने मास्क इत्थे इत्थे भाई जिस तक अज तक जी रिपोर्ट है इत्थे एक भी बंदा करोना पॉजिटिव नहीं निकले? बिल्कुल भीरे, उरे निकल नहीं सकता जी, ये पवित्र धरती है जी, जिते शहीदियां हुई हक्कां वास्ते लड़दे हैं, बैठे हैं, धुप सेकदे हैं, एक भी दरख्त नहीं हैगा, धुप्पां च बैठे हैं जी, असीं कहड़ा एसी वाले, कितना कितने महाराज साडी सुणदा यार, कायनात का मालिक तो कोई हैगा ही है, फिर वो साडी सुणदा है, ठीक है। मोदी साहब के छित्र भी महाराज ने मारने हैं, तो लोगों के गोडे हत्थ ला के जाना इन्हें। अच्छा भाई जी, सरकार ने, हरियाणा सरकार ने बेसिकली ये चलाया कि जेड़े भी लोग धरने च आउंदे ने उन्हां नूं सारिआं नूं वैक्सीनेशन होगी, तो की शुरुआत होई कुछ? ना ना भीरे, कित्थे लाउणी है, साढ़े पिंडां च अलाउंसमेंटां होंदियां भी 18 साल वाले आ गए, 45 साल टीके आ गए, कोई लाउणा नहीं जांदा है, ये भीरे ना एक साजिश है ये सारी। तुसीं मैनूं ऐ दसो, साढ़े देश च चीज़ां किहड़ियां घटियां? आक्सीजन घटी, जिहड़ी कुदरती चीज़ नहीं उहनां दा कम होया, छोटी जी गल है, पाकिस्तान सानूं देण नूं फिरदा किड्डी गल है, मंडियां च वारदाना घटिया, ये गल्लां कारण कि यह साजिशां भीर सारी, ये सारियां साजिशां है, कोई करोना नहीं हैगा, असी नहीं मानते। फिर तुसीं इह कहना चाहुंदे हो कि ऑक्सीजन जिहड़ी कटी उह वी इहनां दी साजिश भीरे? साजिश मारने नहीं है कि लोग इहनां ने, ये लोग जवाब मंगदे इहनां तों भी तुसीं की करिया, लोकां वल जा के रखणा चाहुंदे, अलजा के जी, साजिश है भीरे इह, इह इक साजिश है। मैं यही गल देखी जाना भी साढ़े लोगों नूं सरकार उही चीज़ दे नहीं सकती जिहड़ी चीज़ कुदरत ने सानूं आम दित्ती भी है, छोटी छोटी गल्लां यार भीर, जे करोना हुंदा तां मोदी साहब नूं कद्दा हो जांदा, उन्हां नूं क्यों नहीं होया, उन्होंने मास्क लगा के थोड़ी गल फिर बचा लिया,
भी गल वड्डी है कि कोविड सी जदों पश्चिम बंगाल दे इलैक्शन चल रहे सीगे उदों नहीं किसी नूं करोना होया। मैं कहा जी तुसीं हुण पंजाब इलैक्शन आउणे ना कैप्टन साहब ने करोना मोती महल तो शुरू होना, मोती महल तो होना भी सब नूं खत्म कर दो, खत्म हो जाना। तुसीं म्यूनसिपल कमेटी इलैक्शन देखी ना उस टाइम पंजाब च करोना खत्म था, फिर आ गया हुण करोना इहो जी चीज़ है जिहड़ी इलैक्शन च नहीं आउंदी। इधर तां दिल्ली तो शुरू हुंदी है मोदी साहब तो, उधर साडे वाले कैप्टन तो शुरू हुंदी है। हाँ अच्छा भाई जी की लगता है कैप्टन साहब फिर दोबारे तैयार ने? देखो असी तो कैप्टन साहब नूं तैयार होना नहीं देना, जिन्ना मर्जी हो ही जाना ठीक है ना, जिहड़ी भीड़ी जी पजामी उह असी पाड़ देनी है हुण बाई दे विच ठीक है। कैप्टन साहब दे परिवार दी गदारियां वह खालसा भुल नहीं सकता ठीक है ना। कैप्टन साहब ने एक बार कह देना भी पंजाब नूं मैं 5 साल झा देता है ना, रूसा जे चीकू मंगदे धक्के नाल सीता फल देण नूं फिरदा है ना। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀਰ ਯਾਰ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬਾਈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਚੀਕੂ ਅਤੇ ਸੀਤਾਫਲ ਵਾਲੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਰਵਾਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਆਜੂਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਵੀਰੇ ਆਪ ਹੀ ਜਾਊ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਆਜੂ? ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਦੀ 22 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਕੰਧ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਆਜੂ? ਇਹ ਵੀਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਹਸਾਉਣੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਕਮੇਡੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀਰੇ ਯਾਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖਾ ਬਾਈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੱਖੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਫੜਨ ਨਾ ਫੜਨ ਇਹਨੇ ਉਈਓ ਬੱਖੀਆਂ ਪੜਾਈਆਂ ਵੀ ਆ। ਜੇ ਲੱਖਾ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀਰੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਕਾਰਦੇ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਹੀਰੋ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਟੱਬਰ ਮਜੀਠੀਆ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਇਹ ਉੱਠਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲਓ, ਸਿੱਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਰੀ ਉਹ ਕੁੰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰੀ, ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰੀ ਨਾ, ਜੱਜ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਵਾਲਾ? ਯਾਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਵੇਂ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦੂਗਾ? ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਉਦੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਉਦੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਤਾਂ ਉਦੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀਰੇ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਈਜੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਦਰਾ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਹ MP ਬਣਦੇ ਆ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਈਜੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਯਾਰ ਵੀਰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮਿਲਿਆ ਕਿਤੇ? ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਯਾਰ? ਆਹ ਗੈਂਗਸਟਰ 5 ਦਿਨ 'ਚ ਲੱਭ ਕੇ ਮਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜੇ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਾਲ ਸਕਦੇ? ਸਾਡੇ ਵੀਰੇ ਪੱਲੇ ਕਿਆ ਏ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਯਾਰ? ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਢਾਹ 'ਤੇ ਯਾਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਬਲਕਰਨ ਵੀਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ, ਫਾਂਸੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਲਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜੇ ਅੰਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਫਾਂਸੀ ਰੱਸੇ ਚੁੰਮੇ ਉਹ ਅਸੀਂ। ਯਾਰ ਵੀਰੇ ਇਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਟਕੀ ਟੱਬਰ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ? ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਵੀਰੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੈਰਤ ਹੈਗੀ ਤਾਂ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਚੌਥਾ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ, ਝਾੜੂ ਅਤੇ 5 ਤੱਕੜੀ। ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚੋਂ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਝੂਠੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਗਏ? ਅੱਛਾ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਠਾ ਆਉਣਾ, ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ? ਐਂ ਗੱਲ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਾ, ਉਹ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਹੋਏ ਕਰਨੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਭੁਲੱਥ ਜਾਲੇ ਕਰਨਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਹੈਲੀਪੈਡ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰੋਪਾ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਰੁਜੋ 1 ਮਿੰਟ ਜੀ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਸਰੋਪਾ ਪਾ ਜਾਓ ਮੈਂ ਆਉਣਾ, ਥੁੱਕੇ ਚੱਟੇ ਆਏ ਰੇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਰੇਡ ਵੱਜੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੁੱਕੇ ਚੱਟਿਆ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਚੋਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਲੱਭੇ ਤਿਆਰ ਆ। ਜੂਨ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲਦਾ, ਸਬਰ ਕਰ ਲਾ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ,
मैं तो एक पार्टी ही ज्वाइन की जेडे चमचे हैं उन्होंने लड्डू बटे लड्डू वंडे लोगों जा जाके कुरबानी करके आया कुरबानी लेके गया कि सानू जित के गया ये भी गल है सियासी जेडे पंजाब दे जमा ही लंगोट के गंदे लोग है पंजाब के सियासी एक सियासी को तुम जिथे मर्जी रख के तुम किसी भी सियासी का इतिहास खोल लो थोड़े नाल एक भी खड़ा हो। अच्छा बई जी जिहड़ियां होर पार्टियां ने चाहे अपने हुण नवी एक पार्टी बनी है नवरीत दे दादा जी उहदे विच लीड रोल लै रहे ने जां फिर सिमरनजीत सिंह मान की गल की जाए अकाली दल अमृतसर है ना होर इहो जिहियां बथेरियां पार्टियां ने जिहड़ियां पंजाब दे वास्ते सोचदियां ने पंजाब की गल करदियां ने तो फिर की लगता है ऐत कि उह पार्टियां नूं थां देण की लोड़ है। थोनू मैं गल दसां वीरे मोर्चे के अंदरली गल जिन्ने मोर्चे के लोग बैठे ना वह आजादी पसंद लोग है वह बहुत दर्दी है पंजाब के उन्होंने अंदरली जी गल है भी सिमरजीत सिंह मान सिमरजीत सिंह बैंस ए गांधी छोटे पर यह पार्टी बना नवनीत दादा जी कस ये पार्टी बना पंजाब के लोग इन्हों गल लागे क्योंकि ये तिना तो यह कोई आस नहीं रखते कि पंजाब के लोग ने जो रिवायती पार्टियां दे विच ना जाके फिर जो छोटे धड़े रह गए ज नवरीत दे दादे की वड्डी देन है नवरीत की शहादत होई है किसानी मुद्दे से वह कहिंदे है कि जिहड़ी असीं आ पार्टी शुरू की है किसानां दी पार्टी है किसानां दे जिहड़े वड्डे लीडर ने जिहड़े किसानी लीडर ने उहनां दे नाल गलबात चल रही है आने वाले टाइम च किसानी लीडर भी इस पार्टी तो इलैक्शन लड़नगे की तुहानूं लगदा कि पंजाब दे लोक उहनां पंजाब दे लोकां नूं उहनां दा साथ देना चाहीदा। देखो नवनीत दे दादा जी दी या उस परिवार दी जिहड़ी कुरबानी है वह तो मतलब आपां भुल नहीं सकते कुरबानी बहुत निहायत ही बड़ी है है ना एक गोली मार के नौजवान शहीद कर देना यह नवनीत दे दादा जी है सारा पंजाब क्या सारा हरियाणा सत्कार करता है पर जिहड़ी उहदी पार्टी है वह सरदारा सी जौल की पार्टी है जिहड़ा किसानी बिलों के हक चता किसानों तो उल्टता तो नवनीत दे दादा जी की क्या मजबूरी होगी उ पार्टी ज्वाइन करनी पी ए बारे लोगों भरोसे लैन दसन क्योंकि सरदारा सिंह जौहल ने इस पार्टी को खड़ा करया कन्वीनर रहे हैं अज वह पक्के बाहर है या कच्चे बाहर है ये दसन क्योंकि लोग वोट पाने तो पहला भरोसा जरूर मंगणगे। सो दोस्तों सुरेंद्र सिंह बई मौजूद सी साडे नाल सिंघू बॉर्डर ते मौजूद हाँ सी सो इन्होंने बड़िया अच्छिया गल्लां जो जिहड़ियां सानू दसियां ने ते खास तौर ते इन्हां दा कहना है कि जिहड़े नवरीत दे दादा जी ने वो ये गल क्लीयर करन के जिहड़े सरदार सिंह जौहल ने उन्होंने पक्की तरीके नाल कढ़िया गया या फिर उन्हां दा की रोल है पार्टी दे विच ते पंजाब दे लोकां नू हरियाणे दे लोकां नू राजस्थान दे लोकां नू ये अपील करदे आ कि फिर तो अंदोलन विच आउण इत्थे सिंघू बॉर्डर ते टिक्की बॉर्डर ते पहुँचण उह ते जिहड़ा अंदोलन नू फिर तो एक बल मिल सके असी जिहड़े कानून है वापस करवा के MSP दी गरंटी लैके वापस आपदे घरां नू परत सकीए। ਪਰਸਨ ਸੁਮਿਤ ਨਾਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਡੱਬਵਾਲੀ ਸਾਡਾ TV USA ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ।